तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सो नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी अभी पार्लियामेंट से जो नोटिस हुआ था वो जारी हुआ था, तो खुशखबरी क्या है। नहीं, विराट की सेंचुरी नहीं हुई है, वो खुशखबरी नहीं है, ठीक है। इस साल नीट में एक्चुअली हुआ क्या है कि 4,000 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन अपना कमेंट सेक्शन देख लेते। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर 604 नंबर है OBC में, सो क्या चांस है गवर्नमेंट कॉलेज के। तो शायद मैंने रिप्लाई कर दिया था। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपको डेफिनेटली डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। और अब जब सीट्स बढ़ गई हैं तो पहले चांसेस थे कि सेकेंड राउंड तक जाना पड़ता, बट नाउ आई थिंक कि फर्स्ट राउंड में ही जहाँ तक कॉलेज मिल जाएगा। वेट करेंगे फर्स्ट राउंड के बाद, अपन सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए वेट करेंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपकी जो भी क्वेरीज हो आप डेफिनेटली अपने पूछ सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग आपको चाहिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा कमेंट आया था, ये क्या है, ये मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, ये एक्चुअली मेरा ही बैचमेट है जो मेरी ले रहे हैं। अल्प्रोजुलम खा के सो जा, नहीं सोया तो डंडा मार के सुला दूंगा, क्या ही लीव इट, दोस्त लोग ऐसे ही करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट की मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं कि लास्ट ईयर 2021 में 289 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इस साल 322 कॉलेजेस हैं, ठीक है। 43,000 सीट्स पहले थी, इस बार 47,000 के आसपास सीट्स है, ठीक है। तो 4,000 सीट्स इंक्रीज हुई है। कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है आपको पता ही होगा, कट ऑफ डेफिनेटली नीचे गिरने वाली है। कितनी गिरेगी अंदाजा मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर तो आप मान के चलो, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए। बाकी डिटेल कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो आप जैसे इस स्टूडेंट का कमेंट है कि 604 नंबर है, तो आपकी मार्क्स के हिसाब से कितनी रैंक बन सकती है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट जैसे मैंने लास्ट ईयर भी किया था, एग्जैक्ट मैं आपको जो डेटा है डेटा के बेसिस पे मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर अपन ने आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वीडियोस पड़े हुए हैं कि जब काउंसलिंग ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड चल रहा था, तो मैंने 2 या 3 दिन पहले, कुछ तो कभी कई बार तो 1 हफ्ते पहले तक मैंने डाल दिया था कितनी कट ऑफ आएगी। और जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की एग्जैक्ट उतनी गई थी, और एससीएसटी में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहा था, तो कट ऑफ लगभग उतनी रहती है अगर आप डेटा के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और भी कोई भी आपके डाउट्स हो इस चीज के बारे में, पर डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि किस स्टेट में कितनी बड़ी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, या फिर आप पेमेंट सीट पे आप लेना चाहते तो उसका क्या है। देखिए, पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक ही स्टूडेंट का कमेंट आया था तो कि पेमेंट सीट में सर क्या स्कॉलरशिप होती है, क्योंकि अगर आप पेमेंट शीट ले रहे हैं और आपके पास पैसे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो स्कॉलरशिप का क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्कॉलरशिप आपको मिलती है, 50% तक आपकी फीस रिफंड हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज की मैं बात करूँ, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, हमारे बैच के टाइम पे 5 लाख फीस थी, अभी 7.5 लाख फीस है पेमेंट सीट्स की। तो 5 लाख में से लोगों की 2.5 लाख तक वापस होगी, मैं सबकी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, सबको नहीं मिलती, गर्ल्स को ज्यादा मिलती है। तो जो भी आपकी क्वेरीज है, ठीक है, अपन डिटेल में बात करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसके बाद अपन फ्रीली बात कर पाएंगे, अभी टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। आप चैनल से बनिए रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।